सीधे 26 अगस्त को गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपना 5 दशक पुराना रिश्ता ये कहते हुए तोड़ लिया था कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की पूरी परामर्श व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस को ऐसे मुकाम पर ले जा रहे हैं जहां से लौटना पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होगा। गुलाम नबी आजाद के अफसर आजाद हो गए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अब लगातार राहुल गांधी पर निजी हमले कर रहे हैं, बल्कि पार्टी की समस्याओं को भी उजागर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुलाम नबी आजाद चौकीदार चोर है अभियान पर क्या बोले और भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस को क्या करना चाहिए, इस पर उन्होंने क्या राय दी। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी, आप देख रहे हैं मॉनिटर्स। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर फिर हमला बोला। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी बस फोटो खिंचाने और धरना देने वाले नेता हैं, पार्टी संगठन के लिए वो ठीक नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने और उसके बारे में खुलकर बोलने का फैसला अचानक नहीं लिया गया, इसके लिए उन्हें 9 साल लग गए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि हर एक कांग्रेसी जानता है कि पार्टी में या तो राहुल गांधी फैसला लेते हैं या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स और निजी सहायक। यहां उन्होंने उन नेताओं की बात की जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने चौकीदार चोर है पर 2019 लोकसभा का जिक्र किया। वो बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले एजेंडा को अप्रूव नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी सीनियर नेता ने इस स्लोगन को स्वीकृति नहीं दी थी। आप इसका नतीजा देख लीजिए कि राहुल गांधी अपनी ही सीट हार गए, अमेठी वाली। आप मोदी या किसी भी नेता को नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, उनके काम की आलोचना कर सकते हैं, संस्थानों को दबाए जाने का विरोध कर सकते हैं। मैंने खुद संसद में 7 साल यही तो किया, लेकिन हर एक पब्लिक मीटिंग जो आप अटेंड करते हैं उसमें चौकीदार चोर है चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। मैंने चौकीदार चोर को एजेंडा स्वीकृति नहीं दिया था। क्या महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे नहीं थे? गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करने के बजाय कांग्रेस जोड़ो अभियान की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन नेताओं को वापस कांग्रेस की तरफ लाने का काम करना चाहिए जो काफी पहले पार्टी छोड़ गए और अब देश के बड़े नेताओं में शुमार हैं। इनमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता शामिल हैं। गुलाम नबी ने कहा कि कम से कम पार्टी को इसकी कोशिश करनी चाहिए। वहीं गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट कर दिया कि वे वापस नहीं जाएंगे कांग्रेस में। वो इस पर तो साफ नहीं बोले कि खुद की पार्टी बनाएंगे या नहीं, लेकिन ये साफ कर गए कि राजनीति से संन्यास वो नहीं लेने वाले। देखते रहिए ऐसे वीडियोस मॉलिटिक्स के साथ, बने रहिए।